जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी जीडी री एग्ज़ाम एडमिट कार्ड 2024 के बारे में, जो कि आपकी जारी कर दिए हैं। ये एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है वो आपको बताया जाएगा डायरेक्ट लिंक के माध्यम से। एंड अगर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते तो आप मेरे द्वारा कैसे कराएंगे उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के लास्ट में दी जाएगी। तो गाइज़, यहाँ पर पहले तो आप ये जान सकते हैं कि आप सभी को बेसिकली पता चल ही गया होगा कि इसमें कुछ कैंडिडेट का री एग्ज़ाम होना है और जिनकी संख्या 16,185 है। किस सेंटर के लिए कितने कैंडिडेट का री एग्ज़ाम होगा, किस शिफ्ट वाले का होगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको आपकी डेट दी गई है, यानी कि अगर मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया था 5 मार्च 2024 को इस वेन्यू पर कानपुर सिटी में, तो और शिफ्ट 2 में जिसमें कि 126 कैंडिडेट थे, तो उनका री एग्ज़ाम होगा और उन्हीं के एडमिट कार्ड अभी यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका री एग्ज़ाम में री एग्ज़ाम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ये लिस्ट जानने के बाद में अगर आप इसमें हैं और आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है आप ओपन करेंगे। और इसको ओपन करने के बाद में यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और पहला वाला लिंक है जो सीआर रीजन के अंदर आते हैं वो, और सेकंड वाला है एनआर रीजन का। तो अगर आप सीआर रीजन में आते तो पहले वाला लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको आपकी राशन आईडी डालनी है, आपका डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा आपको यहां पर जो आपकी एग्जाम सेंटर की फर्स्ट सिटी आपने सेलेक्ट की थी वो आपको सेलेक्ट करना है, कैप्चा कोड डालना है। और फिर आप जैसे सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप इसको यहां पर डाउनलोड कर लेंगे, जिसमें कि आपको पूरी जानकारी दी गई होगी कि आपकी एग्जाम डेट 30 मार्च 2024 है, एग्जाम सेंटर कहां पर है और बाकी की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहां पर दी गई है। इसके अलावा गाइज, अगर आप एनआर रीजन में आते तो आप यहां पर एनआर रीजन का लिंक ओपन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल वे में आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। अगर नहीं कर पा रहे तो आप मेरे द्वारा कैसे कराएंगे, इसके लिए गाइज जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है यही वाला ही आप ओपन करके सबसे लास्ट में आइए, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक कीजिए। एंड देन यहां पर आपको आपका नाम देना है, फिर ईमेल आईडी, फिर आपका फोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का हो, और मैसेज के अंदर आप यहां पर आपका एसएससी का जो राशन नंबर है वो देंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ देंगे। और साथ ही अगर आप यहां पर सीआर रीजन का अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कराना चाहते हैं तो आपको यहां पर जो इन्फॉर्मेशन इसमें मांगी है डेट ऑफ बर्थ के अलावा आपकी एग्जाम सेंटर की फर्स्ट सिटी वो भी आपको देनी होगी। एंड देन आपको नीचे लिखना भी है कि किस रीजन का आपका एडमिट कार्ड है और सबमिट कर देना। इसके बाद ये जानकारी मेरे पास आएगी और मेरे से जितना का हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दे दिया जाएगा। तो सभी कैंडिडेट को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट जो कि ये एग्जाम दे रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।